कोटपूतली में सरकारी दफ्तरों में जी राजस्थान की पड़ताल। दस बज गए लेकिन कर्मचारी नहीं पहुंचे दफ्तर। दफ्तर आने में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमर्जी। ये खाली कुर्सियां गवाही दे रही हैं कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का आलम क्या होता है। दीवार पर टंगी घड़ी की ये कांटे गवाही दे रहे हैं कि सरकारी दफ्तरों में कैसे काम होता है। दफ्तर के गेट पर लटके ताले गवाही दे रहे हैं कि सरकारी अधिकारी किस तरह से काम करते हैं। ये तस्वीरें कोटपूतली के सरकारी दफ्तरों की है, जहां जी राजस्थान की टीम पड़ताल करने पहुंची है। लेकिन हमारी पड़ताल में पता चला कि साहब अपने हिसाब से ऑफिस में आते हैं। उन्हें दीवार पर टंगी घड़ी की इन सुइयों से कोई मतलब नहीं होता। सरकारी कर्मचारियों के लेट से दफ्तर पहुंचने की आदत से आम लोग परेशान होते हैं, लिहाजा हमने ठाना कि अधिकारियों की मनमर्जियों को प्रदेश की जनता के सामने रखा जाए। और देखिए हमने अपनी पड़ताल में क्या पाया। खाली कुर्सियां, गेट पर लटके ताले और अपनी कुर्सी से गायब अधिकारी और कर्मचारी। हमारी टीम ने कोटपूतली के उपखंड कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, खनिज विभाग कार्यालय और सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय में पड़ताल की। हमारी पड़ताल में पता चला कि सभी विभागों में हालात एक जैसे ही हैं। कोटपूतली के उपखंड कार्यालय में पड़ताल। हमने सबसे पहले उपखंड कार्यालय कोटपूतली की पड़ताल की, जहां हमने देखा कि 10 बज जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, जबकि दफ्तर पहुंचने का वक्त 9:30 बजे होता है, लेकिन 10 बजने के बाद भी कर्मचारी नहीं पहुंचे थे। कार्यालय में मौजूद वकीलों ने कहा कि ऐसा माहौल हर दिन रहता है, कभी भी आप आकर पड़ताल कर सकते हैं। स्थिति जैसा आपने अभी आकर के जो सरकार की तरफ से एक राजस्व न्यायालय का जो टाइम का शेड्यूल है 9:30 बजे से शुरू हो जाता है, ये कोई आम बात नहीं है। आज पहली बार जिस तरीके से आपने जो औचक निरीक्षण का कार्यक्रम रखा है, मैं तो ये कहूँगा कि आप हर महीने 10 दिन में अगर आकर के देखेंगे तो शायद आपको यही हालात तो जस के तस मिलेंगे। तहसील कार्यालय में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आए। साहब का दफ्तर तो खुल चुका था, लेकिन साहब 10 बजे बाद भी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। काम करवाने वाले स्थानीय निवासी यहां वहां चक्कर काट रहे थे। जी मीडिया के कैमरे को देखकर तहसीलदार के ड्राइवर साहब को लेने पहुंचे, तब जाकर साहब कार्यालय पहुंचे। इसी क्रम में एसीएम कार्यालय के गेट पर भी ताले लटके हुए थे। एसीएम के लिए भी कहा गया कि मैडम कभी भी वक्त पर दफ्तर नहीं आती है। हालांकि हमें पता चला कि मैडम अभी छुट्टी पर गई हुई है। हमने देखा कि केवल रजिस्ट्रार कार्यालय का पूरा स्टाफ ही वक्त पर कार्यालय में पहुंचा हुआ था। आम पब्लिक एसीएम की तो इस तरीके की कंडीशन और हालात है कि कभी 12 बजते हैं, कभी 1 बजते हैं इस तरीके से। और मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले समय में आप समय समय पर आकर के इन लोगों कोटपूतली के नगर पालिका कार्यालय में पड़ताल। हम ऊपर गए तो अधिशासी कार्यालय खाली पड़ा मिला। कमरे के एसी और पंखे चालू थे। वक्त 10 बजे का हो चुका था, लेकिन एक दो कर्मचारियों को छोड़कर नगर पालिका के सभी कमरों के ताले हमें लटके हुए मिले। अधिशासी अधिकारी को जानकारी लगी कि मीडिया की टीम दफ्तर आई हुई है, तो साहब फौरन अपने दफ्तर पहुंच गए। लेकिन जब हमने बात करने की कोशिश की तो कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। अभी ये 2-3 कमरे खाली हैं, इसके स्टाफ कहाँ है साहब? नहीं, स्टाफ तो भी आ गया था, किसी रूम में देखा जा रहा है, शायद होटल साइड में किसी रूम में। नहीं, मैं खुद जाके आया हूँ, कोई नहीं। पंचायत समिति कार्यालय कोटपूतली दफ्तर में पड़ताल। पंचायत समिति कार्यालय में भी कुछ ऐसे ही हालत दिखे। बीडीओ मैडम भी कार्यालय नहीं पहुंची थी और उनके कार्यालय में भी पंखे, बिजली सभी जली नजर आए। लेकिन उनके लिए भी कहा गया कि मैडम जयपुर कार्यालय में काम से गई हुई हैं। अब ये सभी विषय प्रशासनिक जांच के हैं। कोटपूतली के सार्वजनिक निर्माण विभाग दफ्तर में पड़ताल। हमारी पड़ताल में पता चला कि सबसे बुरा हाल सार्वजनिक निर्माण विभाग का है, वो भी तब जब 4 दिन पहले ही इस कार्यालय में प्रशासन की टीम ने छापा मारा था। बावजूद इसके वहां सिर्फ एक कर्मचारी नजर आया, एक भी अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं था।
जबकि XEN, AEN, JEN इन सभी की पोस्ट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं मिला। AEN बनवारीलाल सिंघल जब जी मीडिया की टीम पहुँचने के बाद कार्यालय पहुँचे, जो हमारे कैमरे से बसते नजर आए। पूछने पर खुद की सफाई देते हुए कहने लगे कि मैं यहीं पर मौजूद था, दो मिनट के लिए बाहर गया हुआ था। आप जब निकले हैं तो दर्शकों कब किया? अभी किया आपने? अरे पहले ही कर रखे। मैंने खुद ने देखा ना आपने। अब इन सभी विषयों पर उपखंड अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि अगर ऐसा पाया गया तो जो भी लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आपने तस्वीरें देखी, वो भी एक दो नहीं बल्कि 6 सरकारी दफ्तरों की। किसी भी दफ्तर के अधिकारी और कर्मचारी वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचे थे, जबकि कोटपुतली में ADM समेत जयपुर जिला कलेक्टर का पूरा हस्तक्षेप रहता है। बावजूद इसके आज तक किसी भी अधिकारी और कर्मचारी पर लापरवाही को लेकर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी, ये सिस्टम क्या ऐसे ही चलता है या फिर हमारी पड़ताल के बाद इसमें कुछ सुधार आ पाता है। ये सोचने वाली बात है। अब जो उच्च अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको एक्शन लेने की आवश्यकता है। अमित यादव, जी मीडिया, कोटपुतली।